हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पता है कि सीपेट एडमिशन टेस्ट 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड साथ ही साथ एडमिशन लेटर भी आ चुका है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, अनेक्जरे के बारे में डिस्कस करेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सीपेट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट्स में जाना आपको। इसमें जो पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट कैट 2024। इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं किसका किसका नाम है। एंड एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है, यानी कि मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। एंड पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। देन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोविजनल लेटर डाउनलोड हो चुका है 2024 का। यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया है, मैंने हाइड कर रखा है सब कुछ, जो भी पर्सनल डाटा है। यहाँ पे नाम है एंड यहाँ पे एड्रेस रहेगा आप ऑफर लेटर में। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपका मोबाइल नंबर है, कैटेगरी जो भी कैटेगरी है आपका वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे आगे देखिए, डियर कैंडिडेट एडमिशन इन डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जो भी आपका ब्रांच है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। कांग्रेचुलेशन बेस्ट ऑन द सीपेट एडमिशन टेस्ट 2024 फॉर एडमिशन टू सीपेट डिप्लोमा प्रोग्राम, यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड अलॉटेड द फॉलोइंग सीपेट सेंटर हाजीपुर। यानी कि ये बोल रहा है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आपको हाजीपुर कॉलेज मिला है। यहाँ पे हाजीपुर कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ है। देन उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एडमिशन फॉर्म एनेक्जरे भर के लेके जाना है, इसी में एनेक्जरे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एनेक्जरे, ये सभी आपको भर के लेके जाना है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। पहला हो गया एनेक्जर फॉर्म हो गया ये, दूसरा हो गया आधार कार्ड आपको लेके जाना है, तीसरा हो गया मार्कशीट, 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। एंड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि 10th का जो मार्कशीट आता है वो चल जाएगा, या फिर एडमिट कार्ड वो भी चल जाएगा। एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपका कौन सा कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी, जो भी कैटेगरी है अगर उसका सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है। एंड अगर आप फिजिकली चैलेंज, यानी कि विकलांग है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। एंड सबसे लास्ट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, एनेक्जर बी में दिया हुआ है, लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है एनेक्जर बी मेडिकल सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट में आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बनवाना है। तो नेक्स्ट इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। एन ए फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलेज का कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर दिया हुआ, अगर कॉलेज में किसी भी चीज़ की आपको जानकारी लेनी है तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग में। सबका अलग अलग, जिस अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नंबर यहाँ पे रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग लास्ट डेट नोट कर लीजिए कि आपको एडमिशन कब तक कराना है। यहाँ पे दिया हुआ है द लास्ट डेट फॉर टेकिंग एडमिशन टू द कोर्स इज 24 जून 2024, फेलिंग विच योर कैंडिडेचर मे बी कैंसिल्ड। अगर आप 24 जून तक एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी कि वो सीट खाली रह जाएगा। नेक्स्ट जब लिस्ट आएगी तो उसमें किसी दूसरे स्टूडेंट को आपका सीट दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को 24 जून तक कॉलेज में जाके एडमिशन करा लेनी है, यानी कि उसके पहले आप लोगों को फी पेमेंट करके सब कुछ कंप्लीट कर देना 24 जून तक। तो ये था इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन लेटर के बारे में इम्पोर्टेंट डेट्स। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में एंड अनेक्जर ए के बारे में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।